नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज से देश में शुरू हो रही है टैक्स डिस्क्लोजर स्कीम। 31 मार्च तक चलेगी ये स्कीम। काला धन रखने वाले 50% पेनल्टी देकर ब्लैक मनी को कर सकेंगे व्हाइट। काले धन को सफेद करने का रेलवे में खेल। सीएसटी के विजिलेंस अधिकारी ने चिट्ठी लिखकर काउंटर स्टाफ और बड़े अधिकारियों को घेरे में लिया। देश भर में छापेमारी करके आयकर विभाग ने अब तक जब्त किए 316 करोड़ रुपए। मुंबई पुलिस ने कार से 1,40,00,000 रुपए का जखीरा पकड़ा। मामले में 4 लोग गिरफ्तार। तेल कंपनियों ने बढ़ाए पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 2.21 रुपए और डीजल 1.79 रुपए हुआ महंगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भड़का हाफिज सईद। कहा, राजनाथ सिंह का बयान युद्ध की घोषणा जैसा, हमें चेतावनी मंजूर। राजनाथ सिंह ने कहा था, आतंकवाद पर काबू नहीं पाने पर पाकिस्तान हो जाएगा 10 टुकड़ों में विभाजित। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज को लेकर आज कोलंबो में अहम बैठक। दोनों देशों के बीच क्रिकेट बहाली को लेकर बोर्ड अधिकारी करेंगे चर्चा। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा भारत। पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया की रोकी छलांग। 15 साल बाद फाइनल में खेलेगा भारत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।